निर्णय लिया गया महारैली से पहले कि किसी भी पार्टी के झंडे बैनर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और यही कारण रहा कि ऋषिकेश महारैली ऐतिहासिक हुई। आने वाले समय में भी संघर्ष समिति का स्टैंड क्लियर है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नीचे इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये जनता का मत है, जनता जैसा हमसे कहती है, जो जनता चाहती है, जो जनता की भावनाएं हैं, वो आज हम पत्रकार साथियों के माध्यम से जनता के बीच रखते हैं। जो निर्णय होते हैं ये हमारे व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते हैं, जनता ने संघर्ष समिति बनाई और जनता ही निर्णय दे रही है कि ये मोमेंट किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये आंदोलन कमजोर पड़ेगा। और इस बात की भी शंकाएं हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां आप इस मुद्दे को लेकर आगे आ रही हैं, उनके पीछे ऐसी कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो उनको आंदोलन के लिए आगे खड़ी कर रही है। हो सकता है कि इसके जरिए इस एक बड़े आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश हो रही हो, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो हम विशुद्ध रूप से चाहते हैं ये जनता का आंदोलन है, जनता की इसमें सहभागिता हो रही है और हम आने वाले समय में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नीचे इस आंदोलन को खड़ा नहीं करेंगे। एक और सवाल हमेशा से उठता आया है कि ये जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक आंदोलन के जरिए कैसे इन मुद्दों का हल निकाला जा सकता है। तो इस पर हमारा मत है, हम मानते हैं कि इन मुद्दों का हल विधानसभा में होना है, लेकिन अभी आप देखिए विधानसभा में जिन नेताओं को हमारी जनता ने भेजा है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर ये मजबूत कानून बनाए, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित करें। इसलिए आंदोलन सामाजिक रूप से चल रहा है। अब आने वाले समय में जनता क्या निर्णय देती है, क्या निर्णय लेगी, क्या जनता इस बारे में सोचती है, अगर पॉलिटिकल पार्टियां जिस समय सत्ता में है अगर इन मुद्दों को हल नहीं निकालती हैं, आगे जो जनता निर्णय लेगी फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। फिलहाल हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और संघर्ष समिति की पूरी टीम पूरे उत्तराखंड में इस बात पर सहमत है। जगह जगह मीटिंग होने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फिलहाल संघर्ष समिति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के नीचे इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएगी।